हमास और इसराइल की जंग के बीच अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है, जिस वजह से अब अमेरिका के अंदर ही विवाद बढ़ गया है। यूएस फॉरेन डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी ने इस मसले पर अपनी नाराजगी जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अमेरिकी अधिकारी पॉल ने इसराइल को सैन्य सहायता बढ़ाने पर बुधवार को इस्तीफा दिया। उन्होंने एक प्रेस नोट में अपने फैसले की वजह बताते हुए लिखा, हमास के हमले के जवाब में इसराइल अमेरिका की मदद से जो करेगा उससे इसराइल और फिलिस्तीनी दोनों के लिए और अधिक पीड़ा होगी। इतना ही नहीं, पॉल ने अपने खत में आगे लिखा, मुझे डर है कि हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो हम पहले कर चुके हैं, और मैं एक लंबे समय तक इसका हिस्सा बनने से इनकार करता हूं। बता दें, पॉल फॉरेन डिपार्टमेंट के राजनीतिक सैन्य मामलों के ब्यूरो में डायरेक्टर थे। ब्यूरो में वो अमेरिकी सहयोगियों को हथियार भेजने का हिस्सा थे। उन्होंने अपने नोट में कहा कि वो 11 साल पहले ब्यूरो का हिस्सा बने। पॉल का इस्तीफा ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसराइल की यात्रा के दौरान इसराइल के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। पॉल का जाना उस रिपोर्ट के बीच हुआ जब बाइडेन इसराइल के लिए $10 बिलियन की डिफेंस मदद पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा एसोसिएट प्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो मध्य पूर्व के आसपास अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बड़ी संख्या में विमान भेजे जा रहे हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसी इसराइल की सेना के साथ काम कर रही है। बता दें, गाजा में एक अस्पताल पर हुए विस्फोट में सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिसमें इसराइल और हमास दोनों ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताया। इसराइल ने दावा किया कि इस्लामिक जिहाद की ओर से दागा गया एक रॉकेट गलती से उस ओर चला गया और ये घटना हुई। हालांकि संगठन ने इस दावे को खारिज कर दिया, जिसके बाद अमेरिका भी इसराइल के साथ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।